नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत और मैं हूं आपके साथ अशोक चौहान। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। मुबारकपुर नगर पालिका क्षेत्र में पूर्व घोषणा के अनुसार एसडीएम सदर गौरव कुमार आईएएस के नेतृत्व में भारी पुलिस फोर्स और पीएससी के साथ सोमवार से अतिक्रमण हटाओ अभियान अमलियों के आगे पाही मोड़ से शुरू हो गया, जिससे अतिक्रमणकर्ताओं में हड़कंप मच गया है। जेसीबी मशीन द्वारा नगर पालिका कर्मचारियों की मदद से दर्जनों अतिक्रमण हटा दिए गए। यह अभियान कई दिनों तक जारी रहने की संभावना है और किसी भी समय दलबल मुबारकपुर कस्बे में भी दाखिल हो सकता है। विदित हो कि यह अभियान रविवार से शुरू करने की चेतावनी लाउडस्पीकर द्वारा दी गई थी, किंतु रविवार को महिला सशक्तिकरण अभियान के कारण ये मामला एक दिन के लिए स्थगित कर दिया गया। इस अभियान में 88 अधिकारी नगर पालिका राजपति बैस, जेई महावीर भारती, थाना प्रभारी अखिलेश कुमार मिश्रा, राजस्व निरीक्षक विनय सिंह सहित नगर पालिका के दर्जनों कर्मचारी शामिल थे। इस सिलसिले में एसडीएम सदर गौरव कुमार ने मीडिया वालों से बातचीत करते हुए कहा कि यह अभियान आगे भी जारी रहेगा और ग्रामीण क्षेत्रों के साथ नगर पालिका क्षेत्र में भी सभी अतिक्रमण हटाए जाएंगे। नगर पालिका क्षेत्र में किए गए अतिक्रमण का सर्वे कराकर चिन्हित किया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, सरफुद्दीन आजमी। देखिए, अभी आज से 5-4 दिन पहले जो है यहाँ संयुक्त निरीक्षण किया गया था नगर पालिका और मेरे द्वारा। तो जो नाला है जो नगर पालिका द्वारा निर्मित किया गया है, उस पर कुछ लोगों द्वारा अवैध अतिक्रमण कर लिया गया था, या तो सीढ़ियाँ बनाकर या फिर मकान का कुछ अंश भाग बनाकर। उसी के चलते जो है 3-4 दिन उनको कहा गया, इसकी घोषणा हुई, उनको नोटिस दिए गए कि आप इसको हटा लें अन्यथा एक पक्षीय कार्रवाई फिर कर दी जाएगी। तो जिनके द्वारा नहीं हटाए गए, आज उनके विरुद्ध वो अवैध अतिक्रमण हटाया गया है, उसी की कार्रवाई की गई है। सर, आगे भी कार्रवाइयाँ ऐसी तरीके जिस तरीके से अतिक्रमण अगर और ये जैसे ऐसे चिन्हित किए जा रहे हैं, जो भी विभिन्न माध्यमों से शिकायतें प्राप्त हो रही हैं या फिर स्वयं भी स्थलीय निरीक्षण में जो ऐसे मामले सामने आ रहे हैं, वहाँ पर नगर पालिका और से संयुक्त पुलिस के साथ लग के जो है अतिक्रमण हटवाया जाएगा।